आप सब आप सभी का मेरी YouTube चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये खुशी मुझे आप सब की वजह से मिली है, क्योंकि आप सब के बिना प्यार और साथ के यहाँ तक मैं नहीं पहुँचती, ये सब आप सब की वजह से ही हुआ है। तो मैं ये खुशी भी आप सब के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली का सपोर्ट भी मुझे यहाँ तक लेकर आया है। अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं इतना कुछ नहीं कर पाती। तो इसमें मेरी फैमिली और आप सब लोग शामिल हो, तो आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है ना, वह आज बढ़ के 50K हो गई है। वैसे दो दिन पहले ही हो गई थी, करवा चौथ के दिन ही हो गई थी, लेकिन मैं करवा चौथ की पूजा में बिजी थी और उसके बाद फिर मेरे यहाँ शादी है, तो शादी की शॉपिंग भी हो जाती है, घर में काम भी हो जाता है, तो इस वजह से मैं आज थोड़ा लेट हो गई वीडियो बनाने में, आप सबको थैंक यू बोलने में। पर आप सभी का दिल से थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू, आप लोग मुझे यहाँ तक लेकर आए और आप सबका इसी तरीके से साथ बना रहेगा, प्यार बना रहेगा, तो मैं और आगे जा सकती हूँ। तो मुझे आप सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आप सबके साथ की ज़रूरत है। इसी तरीके से अपना साथ बनाए रखिएगा मेरे साथ, और जो कुछ भी मुझ में कमियाँ होती हैं, जैसे कोई भी गलती वगैरह होता है वीडियो में, तो आप लोग मुझे बोला करिए। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब हैं और एकदम फ्रेंड की तरह हो गए हैं, एकदम जैसे क्लोज फ्रेंड होते हैं ना, उसकी तरह हो गए हैं। और वो मुझे सुझाव भी देते हैं, जो कुछ मेरी वीडियो में खामियां होती हैं वो मुझे बताते भी हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई अपना है। तो आप सभी मेरे लिए अपने ही हो, सभी मेरी फैमिली ही हो, तो आप सबको दिल से थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। और मैं क्या बोलूँ, खुश होती हूँ तो ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश हूँ, इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करिएगा। मैंने ना यूट्यूब पर करीब 2016 से ही सोचा था काम करने का, पर मैं नहीं कर पाई, सोचने में ही मेरा निकल गया था। 16, 17, 18 में मैंने थोड़ा थोड़ा काम किया है, पर ठीक से नहीं गया, उतना करने भी नहीं आता था, क्योंकि मुझे यहाँ पे बताने वाला कोई नहीं था। मैं जहाँ पे थी यहाँ पे कोई, मतलब YouTube पे काम करने का कोई ऐसा जानता भी नहीं था, सब YouTube लोग चलाते थे, लेकिन सिर्फ मूवी देखने के लिए, गाना सुनने के लिए, रेसिपी के लिए, ब्लॉग के लिए, सब के लिए नहीं। तो उस टाइम से ही मैं सोच के रखी थी, पर नहीं कर पाई, सोचते ही रह गई। फिर मैं 2019 में अच्छे से काम की थी YouTube पर, और उसके बाद फिर 20 में भी मेरे पापा की वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, मन ही नहीं करता था कुछ भी करने का। उसके बाद इस साल भी मम्मी के साथ ऐसे हुआ, पर अब कितना, मतलब होता है ना कि इंसान हर, मतलब चीज़ों को लेके बैठ नहीं सकता, बैठ सकता भी है तो दिल में रख कर, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको हम दिल में ही रखें तो अच्छा है, बाहर की दुनिया से दूर रखें, तो वो चीज़ है। ये चीज़ को लेकर मैं चल रही हूँ और काम अपना कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे इसी तरीके से हमेशा प्यार दीजिएगा और मेरी वीडियो को सपोर्ट करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा और मुझे और आगे तक ले जाइएगा। और मैं आप सब जैसे, जो कुछ भी आप सबकी डिमांड होगी जिस तरीके की वीडियो की, मैं आप सभी के साथ कोशिश करूंगी कि शेयर कर पाऊँ। फिलहाल तो मैं रेसिपी वगैरह नहीं, मेरे चैनल पर रेसिपी भी है, मतलब आप सबको मेरी रेसिपी भी पसंद आती है, पर अभी मैं रेसिपी का नहीं बना पा रही हूँ वीडियो, पर आगे मैं बनाऊंगी, अभी थोड़ा शादी है तो थोड़ा बिजी हूँ मैं। तो चलिए, अब भी हम लोग, अभी तो दोपहर का टाइम है, अभी शाम में मेरे हस्बैंड केक लाएंगे और हम लोग केक काटेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो के इंट्रो में दो दो केक देखने को मिला होगा, तो ये जो आप रेड वाला केक देख रहे हैं, ये मेरे भाई ने मेरे मायके में अपने दोस्तों के बीच सेलिब्रेट किया था, और जो येलो वाला था वो मैं अपने ससुराल में अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मेरे भाई ने ये यूट्यूब का लोगो भी बनवा लिया है और साथ में ये कॉन्ग्रेचुलेशन वाला क्राउन, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं तो इतना कर ही नहीं पाई थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बिजी थी, पर मेरे भाई ने तो बहुत अच्छा किया था। पीछे देख सकते हैं आप लोग, बैकग्राउंड में इसने रिबन लगा के और ये दो लोगो लगा दिया है, कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये ब्लू टी शर्ट में ये मेरा भाई है, और ये मेरे भाई के सब फ्रेंड हैं, ये लोग सब बहुत प्यारे हैं, सब मेरे भाई जैसे हैं। तो मेरे साथ कुछ भी अच्छा होता है ना तो मेरा भाई बहुत खुश होता है, और मेरे मम्मी पापा बहन सब लोग खुश होते थे, मेरे ससुराल वाले भी खुश होते हैं, सभी लोग खुश होते हैं, पर मम्मी पापा की बात ही कुछ और होती है ना। तो मम्मी पापा भी होते तो बहुत खुश होते, पर मम्मी पापा अब नहीं रहे, और मुझे लगता है कि वो जहाँ भी होंगे ना बहुत खुश होंगे मुझे देखकर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समोसा और गुलाब जामुन,
ये मेरे भाई ने अपने तरफ से अपने दोस्तों को खिलाया था और मेरी खुशी में वो लोग खुश हुए थे। तो यही था वो लोग का, मैंने आप सभी के साथ शेयर किया अब तो है। केक आ गया है और हम लोग केक काटने वाले हैं। आप सभी खा लीजिए।